है। इस वक्त पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अगर कोई दिखाई देता है तो सिर्फ कांवड़िए दिखाई देते हैं, माँ गंगा दिखाई देती हैं, शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के प्रति भक्ति दिखाई देती है और भक्त की शक्ति का ऐसा रंग दिखाई देता है कि जिसे निश्चित रूप से आप जो नहीं देख पाए हैं। प्रयागराज से जल लेकर 120 किलोमीटर की दूरी तय कर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाते हैं कांवड़िए। वहीं हरिद्वार से जल भरकर बागपत का पूरा महादेव मंदिर में। दुर्घटनाग्रस्त न हो इसके लिए लगातार गंगा नदी में गश्त किया करते हैं। हम इनसे जानते हैं आप जी। मेरा नाम आरक्षी मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या करते हैं आप यहाँ पर जो गश्त करते हैं? हम देखते हैं कि कोई भी जो श्रद्धालु नहा रहे हैं गहरे पानी में नहाएं, गहरे जल में स्नान ना करें। और प्रदेश में जिस कांवड़ यात्रा के चलते सीएम योगी ने ये नियम बनाए, उस कांवड़ यात्रा को देखने हमारी टीम भी पहुँची। मैं मौजूद हूँ इस समय मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांवड़िए यहाँ पर आकर के भगवान शंकर की तमाम मूर्ति के जो है चक्कर लगाते हैं और उसका फेरे लेने के बाद ही अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। क्या महत्व है, क्या परंपरा है, इसको जानने के लिए हम बात करते हैं। हमारे यहाँ पर जगह जगह कांवड़िया विभिन्न प्रकार के जो है जो उनके लिए रुकने के स्थान बनाए गए हैं, वहाँ पे रुके हैं तमाम सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, तमाम सारे लोग कांवड़ियों के आराम करने के लिए और इसके साथ उनको भोजन इत्यादि सब कुछ देने के लिए जो है यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हमारा गंगा गेड़ा व्यापार संघ के द्वारा ये कैंप रेगुलर 2001 से चल रहा है और हमारे कैंप की व्यवस्था ये है कि सभी जितने भी यहाँ शिव भक्त हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ जमर हैंगर है, आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ बारिश है, लेकिन इस जमर हैंगर पर इस बारिश का कोई फर्क नहीं है।
सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये है। उसके बाद हमारे यहाँ चिकित्सा की, खाने में कच्ची रोटियाँ, जयपुर से 3 मशीन रोटी की आई हुई हैं जो 1 घंटे में लगभग 900 रोटियाँ निकालती है। उससे हम किसी भी सब भक्तों को कच्चे भोजन की जो कच्ची रोटी है उसकी व्यवस्था करवाते हैं। और हमारा मेन्यू अलग अलग है रोज़ नाश्ते में, जैसे शाम के टाइम हम कभी चाउमीन, डोसा, पाव भाजी, मतलब 8-10 तरह के हर दिन रोज़ अलग नया मेन्यू है। हमारी चिकित्सा की व्यवस्था नहाने की है, और रात को जो कांवड़े थक जाते हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था है, लगभग केसर वाला बादाम वाला दूध है, लगभग रोज के रोज 10 क्विंटल दूध की व्यवस्था कांवड़ के लिए की गई है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है कंकरखेड़ा व्यापार संघ की तरफ से, हमारे अध्यक्ष नीरज मित्तल जी उनकी तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था करी जाती है, कच्ची रोटियां हैं, सारी टीम लग रही थी। केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं, उनकी यात्रा भर नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। याद करिए, कांवड़ यात्रा के साथ चलने वाले लोगों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए हस्तशिल्पियों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए छोटे गांव के दुकानदारों का रोजगार, उसके साथ जुड़े हुए वे सभी